शुभ प्रभात बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता, जिसका शीर्षक है एक उपवन के। मैं कविता को पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसके मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़के गली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंधी हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कविता का शीर्षक है एक उपवन के। उपवन, उपवन अर्थात बगीचा या वाटिका। इन पंक्तियों में हमें कवि यह समझाना चाहते हैं कि हम सब मनुष्य इस धरती में पैदा हुए हैं, एक ही मिट्टी में जन्म लिए हैं, हम सभी को एक ही धूप मिली है, एक ही जल से हम सब सींचे गए हैं। यहाँ सींचे का मतलब है किसी पेड़ या पौधे को पानी देना, और हम सब भारतवासी एक ही बगीचे के फूल हैं। दूसरा, आगे हम देखेंगे, रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। इन पंक्तियों में कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार बगीचे में अलग अलग फूल खिलकर बगीचे की शोभा, शोभा का अर्थ है सुंदरता, तो जिस तरह बगीचे में अलग अलग फूल खिलकर बगीचे की सुंदरता बढ़ाती है, उसी प्रकार हम मनुष्यों के रंग रूप, जाति धर्म, रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग हैं, और हम सब मिलकर ही देश का निर्माण हुआ है, और हम सब मिलकर इस धरती की शोभा अर्थात सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक हमारी माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, अर्थात हमारा एक ही जन्मदाता, एक ही रखवाला और एक ही ईश्वर है, और हम सब एक ही गगन के नीचे रहते हैं। गगन का अर्थ है आकाश। अगले पंक्तियों को हम देखेंगे। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं सूरज एक है और चांद भी एक है, अर्थात पूरे देश का सूरज एक ही है, उसी प्रकार चांद भी एक ही है, इसलिए हम सबको एक सा रोशनी और एक सी शीतलता मिलती है। सूरज की रोशनी पाकर हमारे उर अर्थात हृदय, तो सूरज की रोशनी पाकर हमारे हृदय खिल उठते हैं, जैसे भोर होते ही पक्षी चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, और शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले में आराम करती है, उसी प्रकार हम सब चांद की शीतलता में विश्राम करते हैं। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। यहाँ स्वर अर्थात सुरीला आवाज, भ्रमर अर्थात भौरा, और गुंजन अर्थात आवाज। हमें भ्रमरों की मीठे गीत भी एक ही स्वर में मिले हैं। अगले पंक्तियों में हम देखेंगे, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंधी हमारी
हम श्रृंगार धनी निर्धन के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब मुश्किलों में भी हंस हंस कर जीना सीखा है। जैसे हम सब जानते हैं गुलाब एक ऐसा फूल है जो कांटे के बीच में ही खिलता है, अर्थात कांटे के बीच में रहकर भी मुस्काता है। कहने का मतलब, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, हमें उस कठिनाइयों का सामना हंसकर करना चाहिए। हमें भेदभाव से दूर रहकर मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे एक एक फूल को एक ही धागे में पिरोकर माला तैयार किया जाता है। लिखा है, एक सूत्र में बंधकर हमने, अर्थात एक धागे में बंधकर हम गले का हार बनना सीखा है, और यह सभी लोगों को आकर्षित करती है और सुगंध फैलाती है। यह एक ऐसा श्रृंगार है, श्रृंगार अर्थात सजने संवरने की वस्तु। धनी और निर्धन सब मनुष्य इसी धरती के हैं, अर्थात हम सबको एक साथ मेलजोल की भावना के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस कविता का मूल भाव है परस्पर मेलजोल की भावना एवं भेदभाव से दूर रहना। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क, पहला प्रश्न है, पांच फूलों के नाम बताइए। आपका उत्तर होगा चंपा, चमेली, बेला, गुलाब, जूही, सूरजमुखी आदि। दूसरा प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपका उत्तर होगा सात। तो वो सात रंग कौन कौन से हैं, मैं बता दूं। वो सात रंग है बैनी आहा पी ना ला। वो सात रंग है बैनी आहा पी ना ला, अर्थात बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इंद्रधनुष के रंग इसी क्रम में होते हैं। आप इंद्रधनुष का चित्र कॉपी में बना लेंगे और रंग भर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो मैं लिख दी हूँ उसको आप कर लेंगे। पहला है, हम सब सुमन एक उपवन के। दूसरा, मिली एक सी धूप हबे है। तीसरा, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। चौथा, हंस हंस कर है जीना सीखा। पांचवा, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। आगे ग, भावार्थ लिखिए। इन वाक्यों का भावार्थ आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, लेकिन इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। घ, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ वाले। पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ वाले। पिछली कक्षाओं में भी हमने पर्यायवाची शब्द से परिचित हो चुके हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ आपको इसको जानने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे गगन का पर्यायवाची शब्द है आसमान, नव, आकाश। चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, शशि, राकेश। जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, शलिन। पवन का पर्यायवाची शब्द हवा, वायु, समीर। और सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, रवि, भानु। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। लिखा है, वाक्य प्रयोग कीजिए। ये शब्द जो है ये आपकी कविता से ही ली गई है, और इसमें मैं सोचती हूँ हर शब्द का अर्थ आप लोग को मालूम होगा। शोभा, मैंने कविता में समझा दिया था, शोभा अर्थात सुंदरता। तो सुंदरता से हम वाक्य बना सकते हैं इस तरह से, सुंदरता। जैसे बगीचे की शोभा फूलों से होती है। इस तरह से अगला आप स्वयं अपने पाठ्य पुस्तिका में कर लेंगे। अगला प्रश्न है च, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सुमन संबोधन किसके लिए किया गया है और क्यों।
इसका उत्तर होगा सुमन संबोधन। हम सभी के लिए किया गया है क्योंकि हम लोग इस धरती रूपी बगीचे के एक फूल की तरह है। दूसरा प्रश्न है, उपवन की शोभा कैसे होती है? उत्तर होगा, उपवन की शोभा अलग अलग फूलों को खिलने से, जिस प्रकार हम सब मिलकर इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न है, फूल हमें किस प्रकार जीना सिखाते हैं? उत्तर होगा, फूल हमें हर मुश्किलों में भी हंस हंस कर जीना सिखाते हैं। और चौथा प्रश्न है, इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? और इसका उत्तर होगा, इस कविता से हमें एक साथ रहने की शिक्षा मिलती है। अब इसी पाठ्य पुस्तक के नीचे में हम लोग देखेंगे कुछ हट कर करें। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें प्राकृतिक चीज़ों को घेरिए, मतलब घेरा लगाना, जो प्राकृतिक चीज़ है उसको घेरा लगाना। तो यहाँ चित्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित या बना हुआ, प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति द्वारा निर्मित या बना हुआ, जैसे पेड़ पौधे, घास, पशु पक्षी, झरने, पहाड़, पत्थर आदि। प्राकृतिक चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है, जिसे मनुष्य नहीं बना सकते। मैं सोचती हूँ आप समझ गए होंगे, इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही घेरा लगाएंगे। इसी से संबंधित गतिविधि आप एक्टिविटी में बनाएंगे। और प्रश्न है आपका, ध्यान से सुनेंगे, किन्हीं 5 प्राकृतिक चीज़ों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखें। ये एक्टिविटी फाइल में आप करेंगे। और गृह कार्य के रूप में मैं आपको कुछ वर्क देती हूँ, जो कि बुक से ही है, पुस्तक से ही है। और यहाँ कुछ कठिन शब्द को मैंने चिन्हित किया है, उसको आपको एक शब्द को 3 बार लिखना है। जैसे यहाँ मैंने चिन्हित किया है, धरती मीठी, क्यारी क्यारी, शोभा, चांदनी, गुंजन, बंद, श्रृंगार और निर्धन। इन शब्दों को आपको पाठ्य पुस्तिका में 3-3 बार लिखना है। और एक गृह कार्य है, कविता को सुंदर अक्षरों में विराम चिन्ह सहित लिखे एवं कंठस्थ कर ले। तो आशा है कि आप गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।